दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज मल्टी यूनिट लोको में कैसे VCU रीसेट करते हैं देखेंगे। आप जब भी मल्टी यूनिट लोको चार्ज लीजिए, जेट कैप स्विच का पोजीशन स्लैब लोको में ट्रेलिंग एंड कैप के अनुसार सुनिश्चित कीजिए। यहाँ ट्रेयर कैप 2 है तो जेट कैप का पोजीशन ट्रेलिंग लोको में कैप 2 की ओर अर्थात पोजीशन 2 पर होगा, जो सामने यहाँ परिलक्षित हो रहा है। यदि रियर कैप 1 होता तो हम लोग इस स्विच को एक पोजीशन पर रख देते। जेट कैप स्विच का पोजीशन लीडिंग लोको में ड्राइविंग कैप के अनुसार होता है। जैसे ड्राइविंग कैप यदि कैप 1 की ओर है तो उस समय लोको में जेट कैप स्विच का पोजीशन 1 पर होगा, जो सामने यह परिलक्षित हो रहा है। इस लोको का ड्राइविंग कैप 1 है। यदि ड्राइविंग कैप 2 होता तो इसे कैप 2 की ओर हम लोग रख देते। इसी के दाहिने तरफ VCU रीसेट पुश बटन है, जो लीडिंग लोको के लिए है, और ऊपर में ट्रेलिंग लोको का VCU रीसेट पुश बटन है, जो SB1 पैनल में स्थित है। किसी किसी लोको में या पैनल डी में भी हो सकता है। मल्टी यूनिट कार्य करते समय लीडिंग लोको में यदि कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट आ जाए तो हम लोग VCU रीसेट कर इसे दूर कर सकते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे में मल्टी यूनिट कार्य करते समय VCU रीसेट प्रक्रिया अपनाने के पहले गाड़ी खड़ा करने का निर्देश दिया गया है। सबसे पहले हम लोग थ्रॉटल को 0 करेंगे और गाड़ी को खड़ी कर लेंगे। तत्पश्चात VCU को ओपन करेंगे और पेंटो को डाउन कर लेंगे। BLP को पोजीशन डी पर ही रखेंगे। अभी देखिए DDU में दोनों लोगों का FLG 504 दिखा रहा है। तत्पश्चात SB1 पैनल में जाकर हम लोग लीडिंग लोको के VCU रीसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे। VCU रीसेट पुश बटन छोड़ने के बाद लीडिंग लोको का कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाएगा और फिर कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और सेल्फ टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। सेल्फ टेस्टिंग शुरू होने के बाद FLG 504 आने का इंतजार करेंगे। इस बीच कोई फॉल्ट मैसेज DDU में यदि प्रकट होता है तो उसे हम लोग एक्नॉलेज कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन खत्म होने के बाद जब नोट 504 DDU में आ जाए, आप सामान्य रूप से लोको इनर्जाइज कीजिए और आगे कार्य कीजिए। VCU रीसेट यदि ट्रेल या स्लैब लोको का करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मल्टी यूनिट कार्य करते समय यदि DDU में स्लैब लोको का कोई ट्रांजिएंट फॉल्ट मैसेज मिल रहा हो तो उसके लिए भी सबसे पहले हम लोग थ्रॉटल को 0 करते हैं और इसके बाद गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद VCU को ओपन करते हैं और पेंटो को लोअर कर देते हैं। BLK को D से ऑफ पोजीशन में लाकर रख देते हैं। लीडिंग लोको के SB1 पैनल में हम लोग जाकर स्लैब VCU रीसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस कर रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। VCU रीसेट पुश बटन रिलीज होने के बाद
स्लैब लोगों का नोट देखिए यहाँ शून्य दिखा रहा है। 60 सेकंड इंतज़ार करने के बाद में हम लोग लीडिंग वीसीयू रिसेट पुश बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करते हैं। जैसे ही लीडिंग लोगों का वीसीयू रिसेट पुश बटन को हम लोग रिलीज करते हैं, डीडीयू ब्लैंक हो जाता है और कुछ सेकंड बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग नोड इन्फॉर्मेशन में जाकर देखते हैं तो अभी देखिए दोनों लोगों का नोड 0 दिखा रहा है। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद नोड 504 आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद देखिए अभी नोड 504 आ चुका है। बीएल की को हम लोग डी पोजीशन में रख देते हैं। इस दौरान यदि कोई फॉल्ट मैसेज डीडीयू में अपीयर्स होता है तो हम उसे एक्नॉलेज करेंगे। दोनों लोगों के नोट 504 को आ जाने के बाद हम लोगों को सामान्य रूप से एनर्जाइज करेंगे और गाड़ी कार्य करेंगे। ब्लॉक सेक्शन में यदि किसी भी प्रकार का लोगों का फॉल्ट आता है और गाड़ी कोस्टिंग में ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर सकता है तो लोको पायलट पहले ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे तभी ट्रबल शूटिंग करेंगे। वीसीयू रिसेट स्विच को केवल ट्रांजिएंट फॉल्ट के लिए ही प्रयोग में लाना है। यदि फॉल्ट परमानेंट टाइप का है तो पहले MCV या कटआउट स्विच के द्वारा सब सिस्टम को आइसोलेट करेंगे, तब सामान्य प्रक्रिया द्वारा MCE को रिसेट करेंगे। यदि लोको में वीसीयू रिसेट करने के लिए कोई अलग से निर्देश दिया गया है तो उसका अवश्य पालन करेंगे। कभी भी मल्टी यूनिट कार्य करते समय पीछे के लोगों के वीसीयू रिसेट पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे। धन्यवाद।